नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक अच्छी खबर से शुरुआत। भारत ने थॉमस कप जीत लिया। ये पहली बार हम थॉमस कप जीते हैं, जो एक तरह से विश्व चैंपियनशिप होती है मेंस की, उसका वर्ल्ड कप है, बड़ी बात है। और जिस जुझारूपन से जीते हैं वो भी देख के और सुन के अच्छा लगा। उस पर मैं अलग से एक बात कर रहा हूँ, अलग से वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन आप सब देशवासियों को, हम सब भारतवासियों को बहुत गर्व है कि आज हम थॉमस कप जीते हैं। यंग टीम ने जीता है, ऐसी टीम थी जिसको अंडरडॉग तो नहीं कहना ठीक है, लेकिन जिसका बहुत ये नहीं था कि बहुत फ्लैशी या उनके बहुत बड़े नाम थे, लेकिन जीत गए और कॉम्प्रिहेंसिव जीते 3-0। आज बात मेरे हिसाब से हम लोग थोड़ी कांग्रेस की कर लें, और कांग्रेस की इसलिए कर लें कि एक चिंतन शिविर हुआ है अभी उदयपुर में। 3 दिन का कांग्रेस ने अपने अंदर की क्या बात होनी चाहिए, किस दिशा में कांग्रेस जाए, इस पर बात करने के लिए चिंतन शिविर बुलाया था। उस पर बात करूं उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दूं, ये क्योंकि ये आपको मीडिया कैसे चल रही है, क्या कर रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। इंडियन एक्सप्रेस ने थॉमस कप की खबर को लीड किया है और नंबर 2 पे चिंतन शिविर की बात की है, सेकेंड लीड जिसको प्रेस की भाषा में बोलते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लीड स्टोरी तो इनके यहाँ खैर वही होती है, मतलब जैकेट है वो, थॉमस कप को पहला लीड स्टोरी, लेकिन कांग्रेस की बात 5वें पेज पे जाके की है। चिंतन शिविर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभूतपूर्व काम तो मेरे ख्याल में दैनिक जागरण ने किया है। कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए, अभी कांग्रेस की बात ही नहीं, थॉमस कप की जगह पहले पेज पे नहीं मिली है, थॉमस कप को जगह मिली है 3रे पेज पे, सोने की चिड़िया। ये बताइए, ये जो देशद्रोह, देश प्रेम, देश, ये देश प्रेम है दैनिक जागरण का, अपने को देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी ये सब कहते हैं, ये देश प्रेम है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दैनिक जागरण को, इसकी वजह से तो मुझे लगता है कि जो भी खेल प्रेमी है, कम से कम कोई भी खेल प्रेमी को एक दिन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हरदम, एक दिन के लिए दैनिक जागरण अपने घर में हॉकर से मना कर दें, क्योंकि तुमने लीड नहीं लगाई थी थॉमस कप की, इसलिए मैं एक दिन आपका अखबार नहीं लूँगा। देश के लिए बड़ी बात है थॉमस कप जीतना, और आपके पास का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PSC कांस्टेबलों के सशस्त्र पुलिस में के स्थानांतरण पर रोक लग, यही सब आप लिख रहे हैं, तो इससे उनकी नीयत भी दिख रही है। आगे बढ़ो, इससे पहले आपसे एक बार फिर आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर एक महीने आपको एक छोटा रकम हमें देनी होगी, और अगर आप मंथली कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार हमें कुछ एक आर्थिक सहायता देंगे तो हमें चैनल आसानी से चलाने में आसानी होगी, उसके डिटेल्स नीचे हैं। अब मैं जरा चिंतन शिविर पर आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपको एक दो इसलिए, और आज सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, इसलिए मैं बाकी आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। ऐसा था कि 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद बीच में फिर राहुल गांधी आए थे, जो 2019 में जिन्होंने रिजाइन कर दिया, अभी तक कोई प्रेसिडेंट, फिर से एक तरह से सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। लेकिन 1998 के बाद के इलेक्शंस की हम लोग आज बात कर रहे हैं। 1999 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस को 114 सीट मिली और 10,31,00,000 लोगों ने वोट दिया, 28.30%। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ सिर्फ बता दूँ, बाकी तो मैंने कहा तो मैं कांग्रेस की ही बात करूँगा, आगे कांग्रेस की करूँगा। 99 में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। सुन के आश्चर्य होगा, कांग्रेस को मिले थे 10,31,00,000 वोट, बीजेपी को मिले थे 8,65,00,000 वोट। कांग्रेस को मिले थे 28.30% वोट, बीजेपी को मिले थे 23.75% वोट। तो सरकार लेकिन अटल जी की चली थी, तो अब ये आपको जरा समझना भी होगा। अच्छा, और उससे पहले करगिल हो चुका था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये करगिल के जस्ट बात का इलेक्शन है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में जैसे ये है ना कि मैंने सारे वोट मिल गए, मैं कुछ भी कर डालूँगा, ऐसा नहीं है। फिर 2004 का इलेक्शन आया, 2004 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन सीटें कितनी थी, 145 सिर्फ। वोट दिए गए 10,34,00,000, 99 के कंपैरिजन में केवल 3,00,000 ज़्यादा, परसेंटेज 26.33%। 2009 में 206 सीटों के साथ सरकार बनाई, 11.91 करोड़, 11,91,00,000 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए, 28.55%। फिर 2014 का इलेक्शन हुआ, जिस बार कांग्रेस की 44 सीट सिर्फ आई थी, लेकिन वोट कितने मिले थे, 10.69 करोड़, 10,69,00,000।
वोट परसेंटेज क्या था, 19.31%। जब 2019 का इलेक्शन हुआ, वो बालाकोट और पुलवामा ये सब चलने लगा था, देश खतरे में था, उस समय कांग्रेस की सीट आई 52। कांग्रेस को वोट कितने मिले, 11.94 करोड़। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 11,94,00,000 वोट कांग्रेस को अभी तक के वोटों में सबसे ज़्यादा मिले हैं, 11.94 करोड़, और परसेंटेज 19.49%। मैं ये आपको डेटा इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जैसे होता है ना कि चले गए, ख़त्म हो गए, दफन कर देंगे, 19-20% इस पार्टी के पास वोट है। दूसरी एक और चीज़, मैं इसको पहले भी अपने किसी शो में कर चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस की 52 सीट आई लेकिन 208 जगह पे वो सेकंड थी। कांग्रेस वो सेकंड एट 208 जगहों पे। 36 यूनियन स्टेट और 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज हैं, 36, उसमें से कांग्रेस, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, कांग्रेस 32 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में या तो फर्स्ट रही या सेकंड रही, 4 स्टेट में उसका नामो निशान नहीं था, 0। इसके मुकाबले बीजेपी 2019 इलेक्शन की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, उन 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में बीजेपी 7 जगह पे उसका खाता नहीं खुला था, न फर्स्ट न सेकेंड। ये मैं आपके साथ शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो कभी कभी लगता है ना कि ये तो कांग्रेस के बस का नहीं है, यूपी में 2.5% वोट आ गए हैं तो कहाँ से करेगी, मैं उस रेफरेंस के। अब हम लोग चिंतन शिविर की बात करते हैं, क्योंकि देखिए इस पे आने से पहले एक चीज़ मैं और बताऊँ, आप मैं भी उस समाज में उठता बैठता हूँ, आप भी उठते बैठते हैं। कल भी मैं एक समाज में गया था, किसी एक दो बिल्कुल अलग अलग दो तीन तरह के कार्यक्रम थे, एक कहीं किसी की डेथ थी उसमें गया था, एक कोई ईद मिलन था उसमें गया था, और एक शाम को एक कोई संगीत का था उसमें गया था। मुझे अब एक जनरल लोगों का फीडबैक यह है, वो चाहे कि भाई विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो बीजेपी का ऑपोजिशन है, बिना कांग्रेस के उसमें कुछ नहीं हो सकता है, एक तो लोग ये करने लगे हैं, क्योंकि उसका एक चीज़ समझ भी लीजिए, जब पीके साहब ने भी एक बार कोशिश की थी, जब वो तृणमूल कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता दिलाए थे वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने उसके बाद कोशिश की थी, याद है ना, गए थे महाराष्ट्र, शरद पवार से बात की, दिल्ली आए, मीटिंग कराई, ये वो, लेकिन हुआ नहीं कुछ, क्योंकि शरद पवार बिल्कुल स्पष्ट है, उनका कहना है कि बिना, और उस समय स्टेटमेंट भी ममता बनर्जी का था कि अब यूपीए में का कोई रेलिवेंस नहीं है, शरद पवार ने उस समय भी कहा था कि बिना कांग्रेस के उस देश के में कोई आप ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं हो सकती है। और जनता के स्तर पर भी अब लोगों को ये लग रहा है कि भाई अगर इससे निजात कोई दिला सकता है तो वो कांग्रेस दिला सकती है। और मैं एक और चीज़ आपसे कहूँ, मैं पिछले 4-6-10 दिन आज सुबह भी कुछ बहुत से वाम विचारधारा के लोग हैं, दूसरी विचारधाराओं के लोग हैं, अब दूसरी पार्टीज़ के लोग भी जो दूसरी विचारधारा के भी हैं, वो भी ये कहने लगे हैं कि ये जो इस समय देश में हो रहा है, अगर उसको कोई रोक सकता है तो उसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो बुद्धिजीवी कह लीजिए जो परेशान है, किन्हीं भी आपके मतलब भाजपा की किसी भी पॉलिसी से अगर परेशान, उनको लगता है कि नहीं बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर का एक इम्पॉर्टेंस रही है। उदयपुर केस, उसको उन्होंने नव संकल्प डिक्लेरेशन करके कल जो कंक्लूड हुआ, तो एक नव संकल्प डिक्लेरेशन करके किया, और उसमें जो मुख्य बात ये थी कि उन्होंने कहा था 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो की बात की थी, अब 2022 में 80 साल बाद हम भारत जोड़ों की बात कर रहे हैं, और इसी के उसमें तहत उन्होंने 2 अक्टूबर से एक भारत यात्रा की बात की है कि अब देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक यात्रा होगी जिसमें पूरे देश से लोगों से संपर्क होगा, इत्यादि इत्यादि। दो चीज़ें लेकिन बात वो थी जो मेरा कम से कम मुझे ध्यान दे गया, जो 5 राज्यों के चुनाव थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, बहुत सी उम्मीद थी कि शायद उस पर चर्चा होगी, कि अगर आपको याद हो जब उस समय चुनाव था उसके बाद हुआ था, नहीं नहीं हम लोग बैठेंगे और हम लोग हार की वजह जानेंगे इत्यादि इत्यादि, वो बिल्कुल ही, अब वो कांग्रेस की वो टैक्टिक, वो उनका इंटरनल मामला है, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो हार गए अब आगे की बात करो, कुछ लोगों का कहना था नहीं पता करना चाहिए था कि कौन लोग हैं, किन की वजह से हारे, क्योंकि वो भी साफ साफ दिख रहा है कि किसकी, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, अब किसी की जिम्मेदारी नहीं है, क्लीन स्लेट क्लीन हो गई, अब नए उससे करो। एक चीज़ ज़रूर है कि जो भी वहाँ पे उदयपुर में हुआ उस पर प्रशांत किशोर का फुटप्रिंट तो दिख रहा है, प्रशांत किशोर के जो कुछ आए थे कागज़ आए, मतलब वो कहीं ना कहीं है कि वो ज़्यादा सिस्टमेटिक हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की अलग बात कर रहे हैं, उन हैं इलेक्शन की अलग बात कर रहे हैं, मीडिया की अलग बात कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। जो इम्पोर्टेंट बदलाव हैं वो मैं जल्दी से आपके साथ साझा कर लूँ। उन्होंने एक तो कहा है कि संगठन के लेवल पे, इलेक्शन के लेवल पे हर जगह 50% पद जो हैं वो 50 साल से कम वाले ही उसमें रहेंगे,
देखिए बड़ा कदम है। एक उन्होंने और बात कही कि एक परिवार एक टिकट, एक परिवार से एक ही टिकट, लेकिन अगर कोई उस परिवार का दूसरा आता है तो 5 साल वो काम करे, वेट करे, देखे उसका क्या है, तब उसके बाद उसको टिकट मिल सकता है। एक और बात इंपॉर्टेंट हुई कि एक पद पर उन्होंने कहा है कि 5 साल से ज्यादा कोई आदमी ना रहे, उसके बाद उस पद से हट जाए, उसका 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो। उसकी भाषा और टोन से कहीं ना कहीं मुझे तो कम से कम पीके की खुशबू नजर आ रही है। एक चीज और उन्होंने कहा, एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई है कि राज्यसभा की जो सदस्यता है वो अवार्ड के तौर पे, उस पर पारितोषक के तौर पे जिसने पार्टी की में रह के अच्छा काम किया उसको दिया जाए, और उसमें भी यंगर को ओपिनियन दिया जाए। और ये ठीक भी है क्योंकि अभी तक क्या होता है ना, राज्यसभा में वो जो पार्किंग स्पेस नहीं होता, विंटेज कार्स होती हैं जो कभी कभी निकाली जाती हैं साल में एक बार झाड़ पोछ करके सामने, वो विंटेज कार की तरह राज्यसभा की सदस्यता हो गई है। क्योंकि दिल्ली में घर है, वो घर 20 साल से है, लोकसभा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, वो क्या देखते हैं क्या करते हैं नहीं मालूम। तो ऐसे पुराने जो लोग हैं उनको एक पेंशन मिल रही है, सब कुछ है भाई, पेंशन तो एक बार तुम एमपी बन गए तो मिल ही जाएगी राज्यसभा की पेंशन, हाँ घर की दिक्कत हो सकती है। तो इस पे उन्होंने कहा है कि ये अब अवार्ड के तौर पर हो गए। दूसरा एक ये भी हुआ है कि जो भी खाली पद हैं उनके, वो अगले 90 से 180 दिन के अंदर उसको भरा जाएगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण वो है कि सोनिया गांधी का, जब से अहमद पटेल साहब की डेथ हुई उसके बाद उनका कोई पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं था, उन्होंने उसको रिवाइव नहीं किया। उन्होंने कहा एक हमारा एडवाइजरी ग्रुप होगा जो CVWC से ही ड्रॉ करके सीनियर लोगों का होगा, जिनसे मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलकर इसको बात करेंगे। तो ये भी, और अगर आपको याद हो एडवाइजरी ग्रुप, एक्शन ग्रुप, वो सब पीके वाला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब वो 90 दिन और 180 दिन में सारी पद, अरे भाई सबसे पहले अपने अध्यक्ष का पद भर लीजिए, उसके बाद ये सब बात करिएगा। क्योंकि आप अध्यक्ष का पद भरेंगे नहीं और बाकी सारी बातें होती रहेंगी तो वो कुछ अजीब सा लगता है। राहुल गांधी ने भी कल भाषण दिया और उन्होंने तो अपने साफ साफ बात करते हैं, चाहे उनकी पार्टी का उससे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन्होंने कहा कि भाई पार्टी बिल्कुल टोटली डिसकनेक्ट है लोगों से, उसका कोई कनेक्ट ही नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आज इंटरनल मैटर्स में लगी हुई है, कौन किस पद पे जाएगा, कौन क्या बनना चाहता है, कौन क्या होगा। उन्होंने कहा इस इंटरनल मैटर्स की जगह हमें एक्सटर्नल मैटर्स की तरह लोगों के बीच में जाना होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक बात जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कही, जो मुझे लगता है कि वो एक इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और राष्ट्रीय स्तर पर विचारधारा वाली ही पार्टी चलेगी। क्योंकि देखिए एक तरफ तो बिल्कुल स्पष्ट है बीजेपी आरएसएस का हिंदुत्व विचारधारा है, कैसे हिंदुत्व वाला हो, उनका एक हिंदुत्व फर्क है, मेरा, मैं जो हिंदू हूँ वाला हिंदुत्व वहाँ नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा, वो जो सेकुलर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो कांग्रेस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है, सेकुलर में सर्वधर्म संभव है, इंक्लूसिव है, उसकी बात वो कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक काम और किया, कल उन्होंने कुछ प्रादेशिक जो दल हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेट में एक्टिव हैं, उनके ऊपर भी हमला किया है और उनके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि भाई ये जब आपको केंद्र मतलब सेंटर की लड़ाई लड़नी है तो आपके पास विचारधारा होनी चाहिए, पॉलिटिकल आउटफिट जो स्टेट वाइज हैं उससे नहीं होगा। और अगर आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं ये बात अब धीरे 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 लोगों में बैठ रही है। एक ग्रुप का कर दो, अल्पसंख्यक ग्रुप की बात कर लो, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे यूपी के संदर्भ में कि ये सपा हमारा नहीं भला कर पाएगी, सपा क्या कर लेगी, एक साथ सबको वोट भी दिया, एक साथ वो भी हुए, लेकिन सपा वो नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि वो एक ऑल इंडिया लेवल पे भी इस तरह का जो भी ग्रुप बीजेपी से संतुष्ट है उसको एक ऑल इंडिया फुटप्रिंट वाली पार्टी चाहिए। वैचारिक स्तर पर उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे प्राइवेटाइजेशन का वो बार बार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 70 साल में जो भी कांग्रेस का कहना है कि जिसको मोदी जी कहते हैं, जो भी हमने बनाया था इस समय उसको केवल वो बेचने का काम किया जा रहा है, और जो पब्लिक सेक्टर्स हमारे हैं उनको उनके पूंजीपति दोस्तों को औने पौने दामों में किसी तरह से उनको दे दिया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो वक्तव्य है कि नेहरू के कंट्रीब्यूशन को याद करने की बात है, क्योंकि नेहरू को जिस तरह से टारगेट करके बीजेपी और आरएसएस मलाइन जिसको कहते हैं ना, उनके नाम को तहस नहस कर दो, वो इस पेपर में लेकिन जो निकला है उसमें नेहरू की बात की गई है। एक बात और इम्पॉर्टेंट हुई है, एक बात ये हुई, उन्होंने कहा कि जैसे नोटबंदी, GST, कोरोना मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन में जो कीलें ठोक दिया था, वो सब, इन सब जो उनका कहना है जन विरोधी बातें थी, आम जन की विरोधी बातें थी, लेकिन कांग्रेस हैज फेल्ड
कि लोगों तक इस बात को ठीक से समझाने के लिए, लोग इससे परेशान थे लेकिन कांग्रेस इसको वहां तक पहुंचा नहीं पाई। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसलिए ये इसको आपसे कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे मेरे ऑब्जर्वेशंस थे, कल मेरे साथी इन लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो कांग्रेस की बाइट्स कुछ कुछ नेताओं की ली गई, कुछ नहीं मतलब काफ़ी नेताओं की, कुछ 50-60-100 नेताओं की बाइट्स ली गई और उसको सोशल मीडिया मतलब उसको यूट्यूब पे डाला गया, कांग्रेस के ही, उसमें कांग्रेस का कोई उतना मतलब बढ़िया वो नहीं है सोशल मीडिया ग्रुप चले जिस तरह से बीजेपी का, उसके कंपैरिजन में बहुत कमज़ोर है। लेकिन वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो एक चीज़ एक देखने वाली बात है, जो नंबर एक पे आदमी आया है जिसको सबसे ज़्यादा देखा गया है, मैं वो गांधी परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हटा दीजिए, जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो कन्हैया कुमार है। तो कांग्रेस को भी कहीं सोचना होगा कि यूपी में आपने कन्हैया कुमार को घुसने नहीं दिया, क्योंकि उनके वो जो कम्युनिस्ट जिस यूथ फेडरेशन में यूथ विंग से आते थे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उसके अगेंस्ट वाले यहाँ संदीप सिंह बैठे हुए थे, संदीप सिंह ऐसा के थे तो वो कन्हैया कुमार को नहीं घुसने देंगे। लेकिन कन्हैया कुमार आप ही की पार्टी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा। दूसरे नंबर पर सचिन पायलट है, सचिन पायलट दूसरे नंबर पे थे, 85,000 लोगों ने उनको देखा, 10,000 से आपके जो शीर्ष नेतृत्व है चिदंबरम जी से लेके ये सब लोग 10,000 के अंदर हैं, सब लोग 10,000 के अंदर हैं, 2,000, 3,000, 1,500, 1,100 कुछ इस तरह से हैं। तो ये भी एक फोकसिंग पॉइंट है जो कहीं ना कहीं इनको देखना है। मैं इसको ख़त्म करने से पहले 2-3 चीज़ें कह के इसको ख़त्म करूं। देश को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जो आज जो भी कांग्रेस का है, देश को धर्म के नाम पे जिस तरह से नफरत के बुनियाद पे जिस तरह से बांटने की कोशिश हो रही है उसको तो रोकना ही पड़ेगा, और उसको कोई ऑल इंडिया फुटप्रिंट वाली ही पार्टी कर सकती है, और वो इस समय केवल कांग्रेस है, उसको घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है। अब उस कांग्रेस के मेन जैसे हो जाए ना क्रिटिकल मास, उसके चारों तरफ स्टेट वाइज लोग उससे जुड़ने लगे, कुछ इस तरह का ही होगा, क्योंकि जैसे केवल ये अल्पसंख्यक की बात नहीं है, दलितों के साथ जो हो रहा है, आपके पास इतने चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी, एक भी दलित को बनाया आपने चीफ मिनिस्टर, आपने अपने सरसंघचालक जो आपके आरएसएस की बॉडी है उसमें आज तक कोई दलित उसका सरसंघचालक हुआ है, या तो ब्राह्मण, एक बार भाई एक्सेप्शन रंजू भैया आपने राजपूत को कर दिया था, तो आप उस ब्राह्मण डोमिनेंस को ही करते हैं, घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है। क्योंकि एक चीज़ और जान लीजिए, मैं एक छोटा सा थोड़ा आउट ऑफ कट, डॉक्टर रविकांत की लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी एक कुछ हुई, ABP के लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर FIR लिखा दी गई है। ये जब FIR लिखने का है 4-5 दिन हो गए, आज तक FIR नहीं लिखी जा रही है, और केवल कारण यह है कि वो दलित हैं। एक और छोटी सी बात, बेबी रानी मौर्य गवर्नर थी, आपने इस्तीफा कर दिला के यहाँ आई, वो इलेक्शन जीती, उनको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। केशव प्रसाद मौर्य जो इलेक्शन हार गए उनको आपने फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आपकी नज़रों में, अच्छा एक ब्रजेश पाठक तो एक ब्राह्मण देवता रहे हैं, राजपूत अपने मुख्यमंत्री हैं ही, और एक OBC फिगर चेहरा रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए यहाँ, जबकि दलितों ने आपको मायावती को छोड़ के आपको वोट दिया था। कहना यह है कि शायद देश में जो इस तरह का वंचित वर्ग है जो एन ब्लॉक वोट देता है, वो चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे वो जात के नाम पर हो, उसके अंदर भी ये बात तो धीरे धीरे चली रही है कि उसको क्या ट्रीटमेंट बीजेपी दे रही है, और ये एक निर्णायक होगा 2024 में। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अभी तैयार हो, चिंतन शिविर करना अपनी बात है, लेकिन कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये दिखाना होगा कि वो इस चिंतन शिविर के बाद जो उसने कहा है, वॉक द टॉक जिसको कहते हैं, उस पर चलने को तैयार है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।